हेलो दोस्तों, मैं मुकीम सैफी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मुकीम सिवा में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो कुछ सीक्रेट्स के ऊपर है। जैसा कि मान लीजिए आपके पास कुछ सीक्रेट चीजें होती है, तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं, मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आपके पास काफी सारी पर्सनल चीजें होती है, जैसा कि पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल वीडियोस, जो कि आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इस केस में आप उनको हाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, वो तो मैं कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। तो सबसे पहला मेथड आप यूज करते हैं ऐप लॉक, यानी कि आपकी गैलरी पर आप क्या करोगे, पासवर्ड लगा दो कि कोई उसे ओपन ना कर पाए। तो इस केस में होता क्या है, सिक्योर तो होता है बट कुछ हद तक। ऐसा कैसे, मैं कैसे कह सकता हूँ आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आपसे बोलता है 2 मिनट के लिए मोबाइल दिखाना, कुछ करना है, गेम खेलनी है, समथिंग एल्स। वो कुछ भी कर सकता है उसके अंदर, बट जैसे ही उसकी नजर पड़ती है गैलरी पर किसी चीज पर, होता चल गैलरी खोल के देखता हूँ, और जैसे ही वो खोल कर देखेगा उसके बाद उसको पासवर्ड मिल जाएगा। और जब पासवर्ड मिल जाएगा तो चुन लोहे की डालने की। जब वो सोचेगा कि पासवर्ड क्या डालू, तो पासवर्ड डालने के चक्कर में वो आपसे बोलेगा यार दोस्त पासवर्ड डालना दे 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपके पर्सनल के साथ प्राइवेट चीजें भी उसके अंदर है, यानी कि आपके गाने, पिक्चर्स, एक्सेट्रा सब उसी में है। तो कोई सोचेगा यार क्या गाने इसके पास है, क्या वीडियो है, क्या पिक्चर्स है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो देखने के लिए आपको पासवर्ड डालना भी पड़ेगा, यार दोस्त है चल देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बट ऐसे में क्या होता है, आपकी पर्सनल चीज पर्सनल है। दूसरा मेथड आप लोग बहुत यूज करते हैं और काफी फेमस भी है और बेटर भी है, वो ये है कि प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी वोल्ट के नाम से, VAULT वोल्ट। काफी अच्छी एप्लीकेशन है। उसके अंदर होता क्या है कि आप अपनी कोई भी पिक्चर्स, वीडियो को हाइड कर सकते हो। मतलब आपने अगर वो वोल्ट में ट्रांसफर कर दी है तो आपको पूरे मोबाइल के अंदर वो कहीं नहीं मिलेगी। उसमें आपको पासवर्ड की जरूरत तो नहीं होती है, बट एक वोल्ट एप्लीकेशन खुद एक सिक्योर एप्लीकेशन है, जो वोल्ट के अंदर एंटर करने से पहले पासवर्ड डालना पड़ता है। उसका लॉस भी बताया था आपको क्या होता है। उसका लॉस ये है कि आपके ऐप ड्रॉअर के अंदर, जहां पर सारी एप्लीकेशन आती है, वहां पर वोल्ट के नाम से भी एक एप्लीकेशन आ जाएगी। अब किसी बंदे को चूल लगी एप्लीकेशन खोलने की, सोचेगा यार वोल्ट है, मैं भी ट्राई करता हूँ है क्या। जब वो सोचेगा कि वोल्ट में खोल के देता हूँ है क्या, जब खोलेगा उसे पासवर्ड मिल जाएगा। यानी कि पासवर्ड है तो कोई ना कोई ये सोचेगा यार कुछ तो लफड़ा है इसके अंदर, यानी कि कुछ तो पर्सनल चीज इसके अंदर है जो बंदा दिखाना नहीं चाहता। फिर बोलेगा यार पासवर्ड डालना, जब 2 मिनट है के मैं देखता हूँ। आप बोलेगा नहीं 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 यार, और फ्रेंड है तो दिखाई दोगे। फिर इस केस में क्या होगा, आपकी पर्सनल चीज पर्सनल नहीं रह पाएगी, प्राइवेटली हो जाएगी, सॉरी पब्लिकली हो जाएगी। दोस्तों, इस केस में इन दो एप्लीकेशन से ही लॉस है। तो मैं आज आपको ऐसी के एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ जो एप्लीकेशन सेम वर्ड की तरह तो वर्क करती है, लेकिन उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसा आपको बताया मैंने कि आपके ड्रॉर में वो दिखेगी नहीं, दिखेगी बट वो कुछ अलग तरीके से। दोस्तों, वो एप्लीकेशन है क्या आपको बताया था, बेसिकली वो भी एक वर्ड की तरह काम करने वाले एप्लीकेशन है, उसका नाम है कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा आपके ड्रॉर में एक कैलकुलेटर होता है ऑलरेडी, बट एक और एप्लीकेशन वर्ल्ड की तरह है, उसका नाम भी कैलकुलेटर ही है, और वो आपके ऐप ड्रॉर में ऐसे कैलकुलेटर के नाम से ही आएगी। उसका आइकन भी कैलकुलेटर होगा और उसका यूजर इंटरफेस भी ऐसा कैलकुलेटर ही होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आप अपने फोटो, पिक्चर्स, वीडियोस को उसके अंदर हाइड कर दोगे, बट जब किसी भी पासवर्ड मांगेगा तो सेम कैलकुलेटर का इंटरफेस हो जाएगा। तो कोई सोच नहीं सकेगा कि उसके अंदर फोटो भी हो सकती है, या पिक्चर्स भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है। तो इस केस में वो सोचेगा कैलकुलेटर तो क्या हो सकता है, छोड़ो कैलकुलेशन के लिए ये छोड़ दो। तो इस केस में वो आपसे ज्यादा डिमांड नहीं करेगा पासवर्ड मांगने की, उसको पता ही नहीं कि पासवर्ड डालना नहीं डालना, तो इससे ज्यादा पड़ताल नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न हम कैसे यूज कर सकते हैं, आइए चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले वो करना क्या है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, मैं सामने करके दिखा देता हूँ। ये देखिए स्मार्ट हाइड कैलकुलेटर, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। जस्ट हम इसे ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन कर लें, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ये नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह ही और यूएसबी कैलकुलेटर की तरह कर सकते हैं आप इसको, बट हम इसे हाइड करेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर ऑप्शन एक सेट पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड को भी सेट कर लेना है। तो मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ एक, और उसके बाद आपको इक्वल टू का निशान रखना है, कितने भी डिजिट का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इक्वल टू क्लिक कर दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड डालता हूँ और कंफर्म करके कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ, ओके करके। देखिए पहले हमने कर दिया है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है अगर फॉरगॉट पासवर्ड, मतलब कभी पासवर्ड भूल जाओगे तो उसके लिए आप सेकंडरी पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। तो मैं सिंपल सा 1 2 3 4 कर देता हूँ, कि अगर कभी भूले तो हम इसको यूज़ कर ले, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट ओके प्लस कर दिया, अभी हमारा इंटरफेस खुल चुका है। अब देखिए आपके सामने पिक्चर हाइड करके दिखाता हूँ, और पहले आप देख लीजिए इसका कुछ आइकन इस तरीके का था। कोई अगर थर्ड पार्टी पर्सन भी होगा तो वो इसको क्लिक करके नॉर्मल एज अ कैलकुलेटर ही यूज़ करेगा। देखिए आपके सामने करके दिखाता हूँ प्लस, ये देखिए इक्वल टू उसने कर दिया है। नॉर्मली एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं होगा कोई पिक्चर विक्चर भी है। तो देखिए आपको दिखा देता हूँ कि मेरे फोन में गैलरी है, और यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है, 4 पिक्चर नाम का फोल्डर है, और ये यहाँ पर इसकी पिक्चर है। फाइल मैनेजर में भी दिखा देता हूँ अलग से, ये देखिए मेरा फाइल मैनेजर, और जस्ट मेरे इंटरनल में, और यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ 4 पिक्चर। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, ये रही, मैं इसको गैलरी से ओपन कर देता हूँ, ये देखिए पिक्चर। अब जस्ट हम इसे हाइड कर देते हैं। कैसे करना है, जस्ट अपने कैलकुलेटर में जाना है और पासवर्ड एंटर करना है, करने के बाद ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको हाइड पासवर्ड पे क्लिक करना है, हाइड फाइल्स पर, और यहाँ पर अपना फोल्डर ढूंढ लेना जहाँ पर आपकी फाइल वो है। ये देखिए 4 पिक्चर,
पे क्लिक कर देते हैं। आपके सामने एक खाली दिख रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ अपना फोर्थ पिक्चर वाला फोल्डर ही खाली पे ही ओके कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी उसके अंदर जिस टाइप की फाइल्स होंगी उस टाइप का एक्सटेंशन यहाँ पे दिखा देगा। तो जस्ट हमें जेपीजी पे क्लिक करना है क्योंकि हमारी फोटो है। अगर वीडियो होगी तो MP4 एटसेट्रा वगैरह जो भी होगा वो सपोर्ट कर लेगा। जस्ट मैं जेपीजी पे क्लिक कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वन फाइल विद द एक्सटेंशन जेपीजी हाइडेड। तो आप वो देख सकते हैं अपनी गैलरी से जाके कि वो कहीं पर भी नहीं है फाइल। ये देखिए गैलरी मेरी ये रही और यहाँ पर पहले दिखा रहा था। पहले एक बार तो ऐसे होता है अनफॉर्चुनेटली स्टॉप, सेकंड टाइम वो हटा देता है वहाँ से। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कोई भी वो पिक्चर नहीं है। बाकी मैं आपको अपने फाइल मैनेजर से सर्च करके भी दिखा देता हूँ कि वो फाइल है कि नहीं है। ये देखिए फिलहाल अभी तो वो दिखा रहा है पिछला। ये यहाँ पे करके फिर से सेम वही टाइप करता हूँ, फोर पिक्चर फोल्डर तो आ रहा है लेकिन ये एम्प्टी फोल्डर है, कोई इसमें फाइल नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से अपने फोटो पिक्चर को हाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको अनहाइड भी करना है आपको वो भी दिखा देता हूँ। अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से सेम वही प्रोसेस बनानी है, कैलकुलेटर ओपन करना है, पासवर्ड डालना है अपना, ओके कर देना है। उसके बाद आप अनहाइड में जाके, जरूरी नहीं कि आप अनहाइड करके भी देखें, यहाँ पर भी अपनी फाइल को देख सकते हैं। जेपीजी का हमने फोल्डर हाइड किया था यस, और ये कि हमारी फोटो बोरी और सेम वही पिक्चर हमारी खुल गई। जरूरी नहीं कि इसको हम वहाँ पर वापस रिबूट कर दें, यहाँ पर भी देख सकते हैं। रिबूट करना चाहते हैं तो जस्ट आप इसको क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे और अनहाइड ऑल कर देंगे। तो देखिए अनहाइड हो चुकी है और आपकी गैलरी में भी आ भी गई होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ आराम से, ये देखिए हमारी गैलरी में वापस आ गई फोटो। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इसका पासवर्ड भी भूल जाते हैं तो इसने हमें फर्स्ट टाइम बताया था कि हम अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। वो कैसे, हमको सबसे पहले एक कोड डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस कर देना है इसमें ही 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कर देंगे और इक्वल टू कर देते हैं। देखिए पूछ रहे पासवर्ड रिकवरी, जो हमने सेकेंडरी पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। उसके बाद ये वापस आ जाएगा, देखिए हमारा दिखा रहा है हमारा पासवर्ड ये था, इसने खुद ही दिखा दिया। तो जस्ट इक्वल टू करके हम लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें पता चल सके आप हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं है, आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इधर जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इससे होता क्या, बेसिकली जैसे ही आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ेंगे तो हमारे चैनल पर जब भी कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर और आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है, जिससे कि आप हमारे साथ अपडेट रहते हैं, हमारी वीडियो के बारे में आपको भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होती है। दोस्तों मैं जल्द से जल्द ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप भी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रह सके। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आपको कोई भी सुझाव आए या फिर कोई भी डील है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक। और दोस्तों दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ एक और, कि हमारे पास व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप है मुकीम सेवा के नाम से। तो जो लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से, उस लिंक पर क्लिक होकर हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।